हैं जी, रेडी हो गई आपकी 30 मिनट में ब्राइडल। जी इनका अब आप आफ्टर देख लें, बिफोर जब ये आई थी उस वक्त भी आपने देखा होगा कि ये कैसी थी, और अब आफ्टर आप देख लीजिए कि ये कैसी हैं और आपको कैसी लग रही हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान यासर शामी आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं डेली पाकिस्तान। आज मैं लाहौर के कैसे ब्यूटी पार्लर में मौजूद हूँ जहाँ पर हूरें तैयार की जाती हैं। ये जो हमारी बहन है इनका नाम आमना है, ये ऐसा कमाल का मेकअप करती हैं, सिर्फ और सिर्फ 30 मिनट में दुल्हन को तैयार कर देती हैं। 30 मिनट में किस तरह का मेकअप करेंगी और मेकअप में कौन कौन सी चीजें अप्लाई की जाती हैं, ये आपको आज सिखाएंगे भी। तो आमना आप रेडी हैं? जी बिल्कुल। चलो आप स्टार्ट करें और साथ साथ बताते जाएं आप करने क्या जा रहे हैं। मैंने ये फाउंडेशन मिक्स की हुई है, ठीक है, और ये मैं इनको लगा रही हूँ। कोई कंसीलर किसी किस्म की कोई भी चीज हमने यहाँ पे यूज नहीं की, डायरेक्ट जो है मैं ये फाउंडेशन लगा रही हूँ। मुझे लगता है ये जो ब्यूटी पार्लर वाली है इनका भी एक अलग से हिसाब होगा आखिरत में, ये जिस तरीके से खूबसूरत चेहरों को मजीद खूबसूरत कर देती हैं। ये नहीं कि हम हर दुल्हन को वाइट कर देते हैं, जो खुद चाहती है कि हमें बिल्कुल बार्बी डॉल टाइप बना दे, तो उनके लिए मैं ये बेस यूज करती हूँ। आप क्या बार्बी डॉल बनाएंगे या बेबी डॉल में सोने दी? नहीं, बार्बी डॉल बनाएंगे इंशाल्लाह। अब हम जो है नेक पे लगा रहे हैं, इसी तरह हम जो है कानों पे हर जगह पे अच्छे से बेस को लगा देंगे, इसको ब्लेंड करते जाना है। आजकल बहुत सी लड़कियां होती हैं वो कहती हैं कि हमारा डार्क मेकअप करें, ब्राउन्जे मेकअप बोलते हैं जो आजकल गोरे लोग करते हैं। ब्राउन्जे शाह? नहीं ब्राउन्जे शाह नहीं, ब्राउन्जे मेकअप लीजे शाह होती है, ब्राउन्जे शाह। नीचे वाली जो कहते हैं कि स्किन बाद में ग्रे नजर आना शुरू हो जाती है, वो ग्रे इसलिए होती है क्योंकि हम सही से स्टिक का या जो भी फाउंडेशन हम यूज करते हैं डायरेक्ट हम वो लगा लेते हैं। कौन सी? वो स्नोकर खेलने वाली स्टिक जो होती है, ब्रांड की स्टिक्स होती हैं, फाउंडेशंस होते हैं। फाउंडेशन ये जो ज़कात वगैरह देते हैं वो भी फाउंडेशन एनजीओ? नहीं, ये गोरा करने वाली फाउंडेशन है। फाउंडेशन के साथ काम करता हूँ, वो नेस्ले की फाउंडेशन है, मैं लगाता हूँ अपने मुंह पे। नेस्ले की फाउंडेशन मुंह पे नहीं लगती। अब जनाब हम इस पे कॉम्पैक्ट पाउडर यूज करेंगे। माशाल्लाह ये कितनी प्यारी लग रही है, ऑलरेडी इतनी प्यारी थी आपने और प्यारी बना दिया। आपका आखिरत में ना अल्लाह की कसम बहुत अजीब हिसाब होना है। अब हम कॉम्पैक्ट पाउडर लगाएंगे इसके ऊपर, इनकी बेस जो है वो बिल्कुल बैठ जाएगी। बेस खड़ी खड़ी थक जाती है फिर वो बैठ जाती है? जी फिर वो बैठ जाती है। नीचे हमने लाइट कलर की फाउंडेशन लगाई थी, अब कॉम्पैक्ट जो है वो हम थोड़ा डार्क कलर का लगा रहे हैं। अक्सर लड़कियां होती हैं उनके चेहरे बड़े गोरे गोरे होते हैं लेकिन हाथ पांव जो है वो आप जैसे होते हैं, तो उनको क्या कहेंगी आप? मैं उनसे यही कहूंगी कि मैनी पेडिक्योर करवा के हाथ पांव भी गोरे कर लिया करें। सही बात है, मुंह पे तो इंसान कपड़ा भी डाल सकता है लेकिन जो है ना हाथ पांव पे किस तरह? हाथ पांव बिल्कुल नहीं छुपते, ऐसी बात है वो हर कोई देख रहा होता है। शहरिया ट्रेडर्स वालों का एक स्लोगन है कि लड़की जो है वो पैरों से और गाड़ी टायरों से पहचानी जाती है। ये आपका रिश्ता हो गया? जी मैं शादीशुदा हूँ। नहीं तो आपका रिश्ता नहीं फरिश्ता ही आना था। बेस के बाद फाउंडेशन के बाद ये जो आपने लगाया पाउडर लगा दिया, ठीक है, इसे अब हम डस्ट ऑफ नहीं करेंगे। अब जो है हम कंटूरिंग वगैरह करेंगे इनकी। कंटूरिंग गाड़ी में बैठ के करते हैं? नहीं नहीं कंटूरिंग गाड़ी में। मजा आ रहा है आपको? आप मेकअप करवा रही हैं? जी। इतनी आवाजदार क्यों बैठी हुई हैं? स्माइल करें जरा, प्यारी हैं आप। माशाल्लाह बहुत प्यारी हैं आप भी। अल्लाह को मेकअप करती करती आप लड़कियों को यूं भी कहती यूं करो? ये थोड़े से इनके फीचर्स जो हैं और इनहेंस हो जाएं। जब हम बेस लगाते हैं ना तो पूरा फेस जो है वो फ्लैट हो जाता है। जब लड़कियां ज्यादा मेकअप करके ज्यादा प्यारी लग रही हो तो लड़के भी फ्लैट हो जाते हैं। ये जो बड़े मुंह वाली लड़कियां होती हैं उनका भी मेकअप आप करती हैं तो उसमें कितनी बेस लगती है? उसमें बहुत बेस लगती है, एक तो वो इतने बड़े बड़े मुंह होते हैं, ऊपर से बड़े बड़े गले पहन लेती हैं, वो सारी बेस जो है खत्म हो जाती है। कुछ आंटियां होती हैं वो आती हैं तो वो कहती हैं हमारी प्लकिंग कर दें, अजीब अजीब से मुंह बना रही होती है, उनको देख के ऐसा लग रहा होता है ना जैसे कोई रोटियां लगाने वाली गद्दी, कोई कबाबों वाला पंखा या कोई बंदरिया नचाने वाली सोटी होती है, तो आप उनको क्या पैगाम देंगे? एज के साथ साथ टाइटन नहीं रहती स्किन में ना, तो इसलिए मैं यही उनको कहूंगी कि प्लीज आईब्रो ना बनाया कर क्योंकि मैं खुद भी नहीं बना। देसी खवातीन होती है वो जब आईब्रो बनवाने आती है तो उनको बड़ी पेन हो रही होती है, तो उनकी चीखे आधा मोहल्ला सुन रहा होता है। मारी होती है इवन की हमारी ये चेयर्स देखें, ये इस तरह वो नाखून मार मार के उन्होंने वो भी फाड़ फोड़ दी है। अगला मरहला जो है वो हमारा ब्लश का है। हंस के दिखाओ, हंस के दिखाओ, बाहर निकाल के हंसना है ऐसे, शाबाश। मैं अपने चिक्स बाहर निकालता हूं इधर। ये चिक्स इसको नहीं कहते? चिक्स इसको सॉरी सॉरी सॉरी
आप तो जब मेकअप करके अपने घर जाएंगे, आपके हस्बैंड ने आपको पहचाना ही ना, उन्होंने कहा बाजी कितों आ गई, फिर क्या कहेंगे आप? मैं कहूँगी आपकी वाइफ हूँ। नहीं मेरी नहीं, उनकी कह रही हूँ उनकी, मैं मेरी कह रही। आप क्या करने जा रहे हैं? फिक्सर है ये, मैं लगाऊंगी। फिक्सर लगाने से क्या होता है? आपका ये जो हाइलाइटर है ये ज्यादा उठ के आता है, इनहेंस होता है। ये देखिए यूं उठ के आता है, उठ के आता है। नोज पे इस तरह से टिप पे इसको लगाती हूँ, इससे क्या होता है कि इनकी नोज थोड़ी सी जैसे मोटी है तो वो बिल्कुल तीखी लगेगी। जब पकौड़े नाक होती है लड़कियों के और नखरे उनके आसमानों पर होते हैं कोजियाँ, तो उनको क्यों पैगाम देगी? वो भी कंटूरिंग करके और हाईलाइट लगा के अपनी जो नाक है वो तीखी बना सकती हैं। हम आईब्रो की तरफ चलेंगे। आईब्रो की तरफ जाना तो मैं गाड़ी निकाल लूं अपनी। नहीं यहीं पे जाएंगे हम। बड़े मुंह वाली लड़कियां जब आपसे मेकअप करवाने आती है तो आप पहले उनको ये बताती हैं कि हमारा फिक्स रेट है, हम 10,000 रुपया लेते हैं, 20,000, या उनका मुंह देख के आप डिसाइड करती हैं? कभी कभी वैक्स और मेकअप जो है मैं मुंह देख के डिसाइड करती हूं। अब हमारा आई मेकअप होगा। कंटूर कलर लिया है मैंने, ठीक है, इसे हम आईज को कंटूर करेंगे। बालों पर भी कोई स्टाइलिंग करेंगे? बाल इनके कर्ली नहीं है, हमने क्रिम्पर यूज किया है। और लड़कियों की फौजी कटिंग भी कर देते हैं? नहीं फौजी कटिंग नहीं करते, हम बॉब कट कर देते हैं, वेज बॉब कट कर देते हैं। माशाल्लाह बाल बहुत प्यारे हैं, आयोडेक्स लगाती है? मैं आपसे पूछ रहा हूँ। नहीं। ओके ओके, ये जब से आई है ना इन्होंने 3 लफ्ज ही बोले हैं, हाँ जाऊंगी, बस ये 3 लफ्ज बस। अभी लास्ट जब हम इस पे शिमर लगाएंगे, वो शिमर का नेजा जो होता है? नहीं नहीं वो वाला नहीं, ये इस पे हम ग्लिटर लगाएंगे आंखों के अंदर, हम जो है वाइट लगा रहे हैं, वाइट काजल। कुछ खवातीन होती है वो कहती है हमारी आंखें देखें ऐश्वर्या से मिलती है ना, हालांकि उनकी आपस में भी नहीं मेरी होती उनको कुछ के। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, हंस पड़ी आप, हंस पड़ी आप तो हंसती भी है जी। अब हम हल्का सा इनके लेशेस पे मस्कारा करेंगे, टोटली आईज की सारी लुक जो है वो चेंज हो जाती है, आपकी आईज और ज्यादा बड़ी बड़ी लगना शुरू हो जाती है। अगर आप जूही चावला हैं तो लुक चेंज हो जाएगी, अब शफकत चीमा लगने लग जाएंगी। लेशेस पे हमने गम लगाई है तो उतनी देर जो है मैं इनको ज्वेलरी पहना रही हूँ। आप इस पे फूक क्यों मार रही हैं, गरम है? नहीं ये सुखाने के लिए फूक मार रही हैं। आप क्या कह रही हैं? मैं कह रही हूँ नजर नहीं लगाना, नजर वटुओं को नहीं नजर लगती। ब्यूटी फाइव आमना का ग्लिटर है मैं ये लगाने लगी हूँ और ये सीलर है। अब जो साथ ही है ना हम ग्लिटर लगा देंगे। मेकअप जो है वो ब्लेंडिंग से और बार बार डस्ट ऑफ करने से ही अच्छा होता है। इनकी नोज बिल्कुल तीखी आ रही है ना? बहुत तीखी है, बिल्कुल सीधी है जलेबी की तरह। ये अब हम जो है इनर कॉर्नर पे लाइनर लगा रहे हैं, ये अब हम मस्कारा लगा रहे हैं ताकि जो इनकी नीचे वाली लेशेज हैं वो ऊपर वाली लेशेज में मिक्स हो जाएं। लेंस लगा रही हूँ इनको। लगाते लगाते अगर किसी आपने ब्राइडल की आंख में उंगली मारी उसका डेला ही फर्क कर दिया होगा कहानी करती हुए। अब नेक्स्ट मरहला क्या मेकअप का? अब जो है लिपस्टिक है और हेयर स्टाइल है। ये लिपस्टिक का मरहला जो है लगाने का वो सबसे दिलचस्प होता है, जिसमें लड़कियां पहले अजीब अजीब सा मुंह बना के यूं कर रही होती हैं, उसके बाद वो कहती हैं चलें अब यूं करें, अब देखते हैं इनसे ये क्या क्या करवाती हैं। आ करें हल्का सा, ये देखें काफी लड़कियों के ना होंठ इतने बड़े बड़े होते हैं, अगर वो पके हो ना आलूओं के साथ तो 4 बंदे राज्य के खाना खा सकते हैं। अब हम इनकी हेयर स्टाइलिंग करेंगे। ये देखिए 3 से 4 मिनट में हमने इनकी हेयर स्टाइलिंग कर ली है। अब ये जो फाइनल है इनकी जो लिटे हैं इनको हम रोल कर रहे हैं। माशाल्लाह आप तो बड़ी प्यारी लग रही हैं, कभी सोचा था आपने इतनी प्यारी लगेंगी? जी क्या जी। लट उल जी स
सुलझा जा रे बालम। वाह 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 जी, रेडी हो गई आपकी 30 मिनट में ब्राइडल। जीन का अब आप आफ्टर देख लें। बिफोर जब ये आई थी उस वक्त भी आपने देखा होगा कि ये कैसी थी, और अब आफ्टर आप देख लीजिए कि ये कैसी हैं और आपको कैसी लग रही हैं। ये जिस दिन ब्यूटी पार्लर वाली मर गई तब हवा 3 की शक्लें देखने वाली होगी। अपने मेजबान यासिर शामी को इजाजत दीजिए। पाकिस्तान में टैलेंट की कमी नहीं है, और टैलेंट वो जो सर चढ़ कर बोले, 30 मिनट में दुल्हन तैयार कर दे, और ऐसी दुल्हने कि जिनको देख के इंसान के दिल से बेसाख्ता निकले। लट उलझी सुल जा जा रे बालम। अपने दोनों हाथ अपने फेस पर लिख रहे हैं। बहुत थोड़ा आखिर साबुरा होना।